शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुंडली मिलन। जीजू, हम बोल रहे हैं अंजलि, हम ऋचा को लेके केशी घाट पहुंच रहे हैं, आप जल्दी से पहुंच जाइए। मुकेश, मना किया था तो क्या जरूरत थी ऋचा से मिलने जाने की? तेरी बेटी की जान लेना चाहती है या अनाथ लड़की? झूठ बोलकर ऋचा को यश से मिलवाने के लिए ले गई। जा जाके मर। गोपाल, आप ही समझाओ ना माई को। और माई, जब लड्डू गोपाल साथ है तो फिक्र की क्या बात है? चलो माई, अंदर चलो। आओ ना माई, आओ। क्या है? आपको थप्पड़ पड़ा ना यश भैया? हेलो, उसे सिकाई कर लो। मेरे पापा भी यही करते हैं जब उन्हें थप्पड़ पड़ता। आराम मिलेगा, आराम, आराम। हाँ, अरे वो सब ठीक है, लेकिन कल टाइम पे पहुंच जाना। आज क्यों नहीं आई? दोनों पकड़ो अब। अगर मैं यहाँ से नहीं भागा तो फिर मुझे बर्फ की जरूरत पड़ेगी। हाँ ठीक है, लेकिन टाइम पे पहुंच जाना। ओके ओके। जीजी, ओ जीजी, अभी मेरी उस लड़की से बात हुई, वो कल 3 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना जीजी, परनेश है, सब संभाल लेगा। तब तक वो भी यहाँ आ जाएंगी। हाँ भाभी, चल मम्मी मैं निकल रही हूँ। अच्छा एक बात बता पूनम, घर में बैठे बैठे मथुरा में नौकरी कैसे लग गई तेरी? वहाँ किसी का नाम पता कुछ तो होगा, रहेगी किससे घर? पल्लों से तो तेरी बनती नहीं है। और तनख्वाह वो कितनी मिलेगी कुछ तो बता। गिन ले मम्मी, पूरे 25,000 है, एडवांस मिला है, सिर्फ 90 दिन की नौकरी है और लौटते ही इसका 3 गुना लेके आऊंगी। चल मुझे अभी बहुत देर हो रही है, मैं निकल रही हूँ, बाकी के सारे सवालों के जवाब मैं आकर दूंगी। ठीक है, चल मम्मी बाय बाय। आज सुबह सुबह की बस ले ली है मैंने और जल्दी आप लोगों से मिलूंगी मथुरा में। मथुरा में मिलते हैं दोस्तों। राधे राधे, राधे राधे। कमरे में बंद रहकर तो काम नहीं चलने वाला है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बोलो ऋचा। ऋचा, अंजलि, सब ठीक हो जाएगा ऋचा, तू जरा सब्र से काम ले। थैंक गॉड अंजलि, मुझे लगा मम्मी ने तुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं, तू परेशान मत हो। वो बस बहू जी हमसे थोड़ा नाराज थी ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। आखिर ये हमारा भी तो घर है, अपना घर छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अंजलि, अंजलि मेरा एक काम कर देगी प्लीज? प्लीज किसी भी तरह मेरा फोन लेकर आ जा प्लीज अंजलि। मैं यश को मिल तो नहीं पा रही हूँ, कम से कम उससे बात तो कर पाऊंगी प्लीज अंजलि। देख हम कोशिश करके देखते हैं, लेकिन तू परेशान मत हो, हम कोशिश करते हैं। गोपाल,
बहू जी वो अमृता को खाना दिया है, भूखी रहेगी तो गुस्सा ज्यादा आएगा ना उसे। और वो हम सोच रहे थे आप ऋचा को उसका फोन दे देती तो मतलब यश जी से मिल तो सकती नहीं है वो, कम से कम बात हो जाएगी तो उसका मन शांत हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये ले ऋचा का फोन दे देना। जी मेरा फोन ना चाहे यशी से बात कर सकती है, इसलिए अब बस खुश हो जा, बिल्कुल गुस्सा मत करना ऋचा। तुझे पता अंजलि तू वो परी है ना जो मेरी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती है। I'm not kidding. चल तू यशी से बात कर, हम तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आते। हाँ ठीक है। यश तुम उसे कितना प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है रचा? नहीं मुझे बताओ तुम उसे कितना प्यार करते हो, मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। देखो यश, अब हम दोनों के घर वाले हमें मिलने नहीं देंगे और तुमसे दूर रहना मेरे बस की बात नहीं है यश। तो हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। एक बार शादी हो जाएगी ना यश, फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो तुम ऐसा करने को तैयार हो या नहीं? अगर नहीं ना तो आज ही खत्म करते हैं ये सब। मैं तैयार हूँ। पक्का? इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई प्लान बनाता हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है यश, लेकिन मैं किसी भी तरह यहाँ से निकल जाऊंगी। तुम बंगाली घाट के राम मंदिर के पास मेरा इंतजार करना। कब आएगी वो लड़की? करुणेश ने कहा था 3-4 बजे तक पहुंच जाएगी। यश इस 90 दिन की शादी के लिए मान तो जाएगा ना? हाँ ताई जी, इसी बात तो उसे समझ आएगी ना कि जितनी जल्दी वो उस लड़की से शादी करेगा उतनी जल्दी वो ऋचा से भी तो मिल पाएगा। आप चिंता ना करें, मैं करुणेश से बोलती हूँ, वो दोबारा उस लड़की को फोन करेगा। करुणेश, करुणेश, पल्लू, हमने एक खिड़की से अलका को आते हुए देखा था, कहाँ है वो? माता जी वो बड़ी दादी जी के कमरे में है, कुछ मीटिंग चल रही है उन लोगों की। जी मैं जाऊँ? हाँ। मीटिंग? ये चल क्या रहा? देखती हूँ।
बात हुई है अर्शी से? हाँ हो गई है। अंजलि वो खाना ना थोड़ा फीका सा लग रहा है। अंजलि वो माई ने जो गाजर और गोभी का अचार डाला है वो तू लेकर आ सकती है क्या? मुझे पसंद है थोड़ा सा। हाँ हम अभी लेके आ जाते हैं। दरवाजा खोलने के लिए किसी को बोलने का मतलब तो है नहीं। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज से तो सबको पता चल जाएगा। कहां तक पहुंची वो लड़की और कितनी देर लगेगी उस लड़की को आने में? मैंने अभी उस लड़की को ही फोन लगाया था तो फोन किसी और आदमी ने उठाया। किसी और ने क्यों उठाया? क्या वो किसी को साथ में ला रही है? नहीं नहीं ताई जी, उस आदमी ने बताया जिस लड़की का ये फोन है वो लड़की बस अड्डे पे कहीं जाने के लिए खड़ी थी तब एक फुल स्पीड कार ने उसे टक्कर मार दी। वो लड़की उछलकर दूर जा गिरी और उसका सर एक पत्थर से टकरा गया और अस्पताल ले जाने की पहली बेचारी वो लड़की मर गई। यदि ये शादी हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। शहनाई मातम में बदल जाएगी, खुशियों की जगह आंसू बहेंगे। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे आश्चर्य की बात तो यह है कि वो लड़की बस अड्डे पे थी, कार ने उसे वहां उड़ाया। मतलब तो साफ है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी तो उस लड़की से सिर्फ शादी की बात ही हुई थी और उसकी जान चली गई। इसका मतलब यश की शादी जिससे भी होगी वो लड़की मरेगी ही मरेगी। अलका भाभी ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसकी किससे शादी होगी तो मरेगी? अलका दीदी आप क्या कह रही थी? उमा जीजी ये माजरा क्या है? देखिए आपने मुझसे जो कहा बिना सवाल किए मैं करता चला गया, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। बात यह है करुणेश की ताऊ जी ने यश की कुंडली देखकर ये नहीं कहा था कि यश की पहली शादी 90 दिन में टूट जाएगी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि
जो भी लड़की यश से पहली शादी करेगी वो लड़की 90 दिन में मर जाएगी। क्या? और सबूत हमारे सामने ही है, अभी तो उस लड़की से सिर्फ शादी की बात ही हुई थी और वो लड़की मर गई। इसका मतलब जिस लड़की से यश की शादी होगी उसका मरना तो निश्चित है। हेलो यश, तुम बाहर निकले या नहीं? रिचा मैं निकल गया, बस आ ही रहा हूँ। प्लीज प्लीज थोड़ा सा जल्दी निकलो। क्या कर रही है ये रिचा, कहाँ जा रही है? ओहो, ये अंजलि भी ना। रिचा फोन उठाओ हमारा। हे गोपाल, हमारी मदद करो। भैया थोड़ा जल्दी चलिए प्लीज। अलका, जाते हुए हमसे मिलकर जाना। यश और ऋचा के बारे में कुछ बात करनी। अरे हमें देखकर आप लोग ऐसे क्यों चौंक गए, जैसे कोई भूत देख लिया हो। तू क्या किसी भूत से कम थोड़ी है। चाची जी, करुणेश भैया ने ना एक लड़की ढूंढी थी जो 90 दिन के लिए यश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। हम सब बस उसी लड़की का ही इंतजार कर रहे थे, पर अभी अभी उसका फोन आया और उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। कोई भी समझदार लड़की 90 दिनों के लिए शादी करने को क्यों तैयार होगी? भैया रोक देना प्लीज। रुको 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 भैया, बस 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 रोकिए, ये लीजिए। पता नहीं यश ने कुछ खाया होगा या नहीं, देखते हैं। यश, यश, यश बेटा, यश, लगता है आंख लग गई होगी। चाची जी, क्या हुआ चाची जी? अलका, मुकेश बहुत नाराज था, गुस्से में उसने यश को कमरे में बंद कर दिया। और बेटा मुझे ऐसा लगता है कि ऋचा के साथ तुमने भी ऐसा ही किया होगा। समझने की बात ये है बेटा कि जवान बच्चों को इस तरह कमरे में कैद करके रखना ठीक नहीं है। उस आदमी ने बताया जिसका फोन है, वो लड़की कहीं जाने के लिए बस अड्डे पे थी, तब एक फुल स्पीड कार ने उसे टक्कर मार दी और अस्पताल ले जाने के पहले बेचारी वो लड़की मर गई। क्योंकि पाबंदी ही बगावत की शुरुआत होती है बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि। तो मैं क्या करूं चाची जी? ताऊ जी ने कहा था ना कि अगर यश और ऋचा आपस में मिले भी तो ऋचा की जान को खतरा है, और मैं जानबूझकर अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। अलका बेटा, मैं तेरी चिंता समझती हूँ, लेकिन ये आजकल के बच्चे हैं,
इनके साथ सोच समझकर व्यवहार करना बहुत जरूरी है। आप सही कह रही हैं चाची जी, पर अगर बच्चे जिद पर अड़ जाए ना, तो उनकी भलाई के लिए उनके साथ सख्ती करना जरूरी हो जाता है। इनके बच्चे तूने नहीं बड़े किए यशवंती? इन्हें अच्छी तरह से पता है कि अपने बच्चों को कैसे संभालना है। अरे जी जी, जवान बच्चों के साथ अगर सोच समझ कर बात नहीं की जाए तो क्या से क्या ही हो सकता है। और फिर ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। आप सब यहाँ देखने आया था कि यश ठीक है कि नहीं? मुकेश, हमने भी दरवाजा खटखटाया था तो यश ने कोई जवाब ही नहीं दिया। शायद सो रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि यश को ऐसी हालत में नींद आ रही होगी। हमें यश का दरवाजा खोलना चाहिए। एक सेकंड। यश, 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 हाँ, यश तो है ही नहीं, खिड़की भी खुली हुई। यश कमरे में नहीं है? मतलब रिचा, यश, यश की कुंडली में दोष है। जो भी लड़की यश से शादी करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंजलि, जल्दी से कोई गाड़ी रोको। रिचा, रिचा, खोलो ना। व्हाट हैपेंड डॉक्टर साहब? एक्सीडेंट हो गया, देखिए ना, इतना खून बह चुका और ये बेहोश हो गई है। लेट मी चेक। पेशेंट रिचा अग्रवाल की हालत बहुत ही क्रिटिकल है। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।